मैं जानता था ये सोनिया कभी बाज नहीं आएगी, ये उसी का काम होगा। पता नहीं ऋषि। चलो उस वेटर की खबर लेते चलो। उनमें से कौन था? पता नहीं ऋषि, मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा और उसने गन उठाई, बस पलक झपकते गायब हो गया। भाभी फिर ढूंढेंगे कैसे? से कोई था। आओ मुझसे। एक्सक्यूज मी, आप उठा के दे सकते हो प्लीज? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज उठा के दे सकते हो? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज उठा के दे सकते हो? मारने आया यहाँ पर? हाँ किसने भेजा तुझे? क्या हो रहा है यहाँ? नहीं विषय, कानून को अपने हाथ में मत लो। हम पुलिस को बुलाते हैं, वही अपने तरीके से उगलवाएगी इसे कि इसे किसने भेजा है। नहीं 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 नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, तो सच बताओ कि किसने भेजा है तुम्हें? वो कुशल पकड़ो उसे। होना हो, लेकिन इसमें सोनिया का ही हाथ है। उसने भेजा होगा रावी को मारने के लिए इस गुंडे को। नहीं विशी, सोनिया ऐसा नहीं कर सकती। एक भाई होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि वो अब बदल गई है। अच्छा, चंद घंटों में ठीक हो गई वो? जानता हूँ आप लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन तुम खुद सोचो, इतने कम वक्त में वो किसी गुंडे को हायर कैसे कर सकती है? उसके पास तो पैसे भी नहीं है उसे देने के लिए। हायर किया था उसे और किसे मारने का प्लान था उसका? तुमको खत्म करने का प्लान है राधा, और अब तुम नहीं बचोगी मेरे हाथ से। नहीं बचोगी, नहीं बचोगी, नहीं बचोगी। ओह, गंदा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साफ कर दूंगी खुद। हाँ मैं अभी। क्या हुआ? सोनिया यहीं पे थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रही है। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो। अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर साहब। हो जाने दो,
बाकी कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। कोई नहीं, वैसे भी आज लास्ट डे है तुम्हारा बाहर की दुनिया में। कल से तो तुम पागलखाने जाओगी, है ना? मैं नहीं, तुम सब लोग पागलखाने जाओगे। जब मेरा निशाना ठीक बैठेगा बस थोड़ी देर और रावी को मारने के चक्कर में मुझे एक दो और लोगों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। पागल हो गई सोनिया, ये क्या करने वाली थी? हाँ पागल तो हूँ मैं, माय डॉक्टर ब्रदर, है ना, हूँ मैं पागल। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा मकसद क्या है, राफी को खत्म करना, पता है ना तुम्हें? तो तुम ऐसा नहीं कर सकती सोनिया, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मैं तब तक विषय को तुम्हारा नहीं होने दूंगा जब तक तुम मुझे इस शॉल के पेपर्स ला कर नहीं देती, समझे? मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए मैं आया था तुम्हारे सुहागरात के दिन। देख लो सोनिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तुम सब कुछ भी नहीं करोगे? मैं कर सकता हूँ सोनिया, जिसने ये सब प्लान करके तुम्हें यहाँ भेजा इस काम के लिए, तुम उसी को डबल क्रॉस करना चाहती हो? मैं डबल क्रॉस नहीं कर रही हूँ। मेरा माइक तो बंद है, फिर हमारी यह आवाज लाउड स्पीकर से क्यों आ रही है? कुछ मत बोलना। कोई फायदा नहीं है चुप होने का। सोनिया, तुम्हें क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ?
मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, इस पार्टी में आने को कहा, इसलिए कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम पे नजर रखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। और इसीलिए मैंने ये चिप लगाया। स्पीक, ये लो बच्चे। विशी, मैं सोनिया को बस करो कुशल। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। धोखेबाज, कितना बड़ा खेल खेला तुम्हारे। अब डॉक्टर, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, अच्छे से इलाज कीजिए इसका। रावी जी, हमें आपका शुक्रिया अदा करना है, आपने बिल्कुल सही वक्त पे हमें इन्फॉर्म करके यहाँ बुला लिया, वरना ये लोग पकड़े नहीं जाते। एक्चुअली मैंने कुशल को अपने सामने से जाते हुए देखा कि तभी उसका फोन गिर गया, और फिर जब मैं वो फोन उठाने गई तो सोनिया आ गई। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। हाँ, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब। पेपर्स मिल जाएंगे आरवी, मुझ पर भरोसा नहीं था। तू कुशल तो है, उस पर तो भरोसा है ना, वो उसी काम के पीछे। टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है। मैं तब तक विषय को तुम्हारा नहीं होने दूंगा जब तक तुम मुझे शॉल के पेपर्स ला कर रहे हो। रुको, अगर तुम लोगों ने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की ना तो मैं रावी की जान ले लूंगी। रुको, रुक जाओ सोनिया। रावी को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी। उसे पहले मुझ पर गोली चलानी पड़ेगी। मुझ पर भी, और मुझ पर भी। देखा सोनिया, हम सब लोग इन उंगलियों की तरह। जब साथ आ जाते हैं ना तो मुट्ठी बन जाते हैं, ताकत बन जाते हैं।
तुमने हमारी ताकत को आका नहीं है। तुम हमारे रिश्ते में कोई सुराख नहीं कर सकती। और एक बात, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। हवलदार, बाबा आजी आजी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ। पागलों के लिए तो मेरे रावी और ऋषि काफी है। बिरयानी ठंडी हो रही थी और माहौल गर्म, तो मैंने आव देखा ताव देखा, खाने बैठ गई। बहुत अच्छी बनी है, आ जाओ। अरे वाह, क्या बात है भरजाई जी, आप कनाडा जा रही हैं? अच्छा सुनिए भरजाई जी, अभी ना वहां पर बहुत ठंड होती है, इसलिए गरम गरम कपड़े ले जाना मत भूलना। आपको पता है भरजाई जी, ताऊ जी ना हमें हर साल कनाडा लेकर जाते थे, बहुत मजा करते थे हम वहाँ पर, और बहुत सारी शॉपिंग थी, इसलिए आप शॉपिंग करना मत भूलिएगा, मेरे हिस्से की भी शॉपिंग कर लेना। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इंजॉय कीजिए, यू विल लव द प्लेस, मन नहीं करेगा आपका वापस आने का। हाँ रावी, रावी तेरा नंबर आ गया, जल्दी आ जा। हेलो परजाई जी, वो पानी के लिए ना मेरा नंबर लग गया है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना है, कपड़े खराब हो जाएंगे, छोड़ो। कोई नहीं, तुम्हारे कुछ तो काम होंगे। रावी अंदर तो आना जरा। जी आई। अच्छा सुनो ऋषि, आई बुला रही है ना, तुम ऑफिस जाओ और पहुंच के फोन जरूर करना, ठीक है? चो। मैं रावी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। राजकुमारी बनकर रहती थी अपने घर पर, और यहाँ बाबा सोनिया और कुशल तो पकड़े गए, लेकिन अरवी का क्या? उसके खिलाफ तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन भी नहीं किया। अरे नहीं, मैंने बात की इंस्पेक्टर गायकवाड़ से, उसने कहा वह बिल्डर के हाथ तो ऊपर तक पहुंचे हैं, कुछ नहीं हो सकता। अरे ये आई अभी तक उठी कैसे नहीं? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? पता नहीं आई। आई? ये आई? आई मैं हूँ, तबीयत ठीक है ना? आई आई के, मैं उठाती। अजी 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 उठिए ना। ए, कौन है रे गुड़बाग? सासू भाई, सासू भाई क्या हो गया आपको? अरे ये अपनी रावी है, रावी आंखें खोलिए ठीक से देखिए, रावी। हे देवा, वो इतना बुरा सपना आया ना मुझे, वो सोनिया आई थी, हाँ वो चुड़ैल मुझे ऐसे उठा रही थी, तो मैंने उसको ऐसे, अरे बाबा ये तो मेरी रावी है,
अरे कोयला है तूने, वाह वाह वाह। तो गरम गरम चाय ले क्या और क्या क्या बना है नाश्ते में? आप तो पूजा के बाद खाते हो ना, फिर आज क्या हुआ? अरे वो कल पार्टी में रात को बिरयानी ना कम पड़ गई, नहीं भूख लगी थी मुझे, इतनी भूख लगी थी, अभी भी घुड़घुड़ हो रहा था पेट में। क्या जी, कल रात को ही तो सारी बिरयानी तू घटक गई थी। और रात की रात को हजम हो गई ना, अभी ये हाँ। आजी ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया।